हाय गाइस, आज हम देखेंगे कि गूगल क्लाउड में हम बकेट कैसे बनाते हैं और इसमें डाटा कैसे स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्लाउड स्टोरेज पे जाना है। वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है क्रिएट बकेट पे। तो बकेट बेसिकली आपका डाटा स्टोर करने का काम आता है। लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके, कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं, इमेजेस, वीडियोज। हमने इस पर क्लिक कर दिया। इसमें हमें बकेट नेम देना होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, मतलब ऐसा बकेट पहले किसी ने भी नहीं लिया हो उस बकेट का नाम। तो लाइक अगर आप टेस्ट ट्राई करेंगे, मे बी टेस्ट, तो किसी ने ले ही रखा होगा, तो ये हमें एरर दे देगा कि ये बकेट का नेम पहले यूजर का है। देख सकते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें और देखनी होती हैं, जैसे आपका बकेट का नेम गूगल से स्टार्टिंग होना चाहिए। लेट्स ट्राई सी। जो ये GOOG से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं बकेट का नेम, हमें कुछ यूनिक ही रखना होगा। तो हम रखते हैं अपने बकेट का नेम लाइक क्लाउड क्लाउड कॉन्सेप्ट। वन टू थ्री देखते हैं अवेलेबल है नहीं। देखिए अवेलेबल है। इस बार हम पे ऑप्शन होता है हमें अपनी जो बकेट है उसका रीजन क्या रखना है। रीजन मतलब लोकेशंस हो गई। हम पे या तो हम सिंगल रीजन सकते हैं, लाइक सिंगल रीजन बोले हम बोल सकते हैं, जैसे हमें मुंबई, दिल्ली, जो भी आपके आस पास सबसे पास का नज़दीक हो आप उसको ले सकते हैं। फिर हम पे ड्यूअल रीजन का ऑप्शन रहता है, जिसमें हम कोई भी दो रीजन चूज कर सकते हैं। इस टाइम इसमें खाली तीन ही लोकेशंस पे कॉन्टिनेंट में अवेलेबल है। जैसे अगर आप एशिया स्पेसिफिक देखते हैं इसके अंदर कौन से रीजन्स हैं, तो इसमें हमें ये रीजन है तो हम ये चूज कर सकते हैं। दो रीजन हो गए, जैसे एशिया ईस्ट वन और साउथ ईस्ट वन। ताइवान और सिंगापुर में हमारी बकेट की लोकेशन हो जाएगी, या हम ये दो यूज कर सकते हैं। और अच्छी बात है मल्टी रीजन। इसमें क्या होगा, हम मल्टीपल रीजन होंगे इसके अंदर, लाइक यूएस है, यूएस के मल्टीपल रीजन में हमारी बकेट सेव हो जाएगी, या EU मतलब यूरोप में, एशिया में। तो अभी हम रीजन के साथ ही चलते हैं। हम इसमें ले सकते हैं जो भी आपके नज़दीक हो। मेरे नज़दीक लाइक मैं मुंबई के साथ जाऊंगा। इसके बाद हम पे ऑप्शंस होते हैं स्टोरेज क्लास के। इसमें नया ऑप्शन आया, पहले नहीं थे, ऑटो क्लास का। इसमें वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो आपके वो है ऑब्जेक्ट्स है मूव होते रहेंगे। लेकिन लाइक आप जितना उसको यूज करेंगे, लाइक ज्यादा यूज करते हैं तो वापस वो नियर लाइन में चला जाएगा या कोल्ड लाइन में चला जाएगा। अगर आपको डिफॉल्ट क्लास चाहिए अपने हिसाब से, तो हम पे चार ऑप्शंस रहते हैं। लाइक स्टैंडर्ड, जैसे आप फ्रिक्वेंटली यूज है आपका, आपकी जो बकेट है उसका डाटा आप डेली यूज करने के लिए यूज करते हैं, तो आप स्टैंडर्ड ले सकते हैं। फिर हम पता है नियर लाइन, अगर आप वंस इन अ मंथ करते हैं, लेस देन वंस इन अ मंथ। फिर आता है हम पे कोल्ड लाइन, अगर आप वंस अ क्वार्टर इन अ 3 मंथ्स अगर आप उसे यूज करते हैं डाटा के एक्सेस को। और या फिर आर्काइव ले सकते हैं। इसमें क्या रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सस्ता रहता है, लेकिन आपको ऑडिट पर्पज के लिए आपको डाटा स्टोर करके रखना है कई सालों के लिए, तो ये आर्काइव में जा सकते हैं। तो हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं। इसके बाद हम पे ऑप्शंस रहता है कि हमें अपना जो बकेट है उसको किस तरह से एक्सेस करना है। यूनिफॉर्म में क्या होता है, यूनिफॉर्म में आप IAM लेवल पे जाके परमिशन लगा सकते हैं। लाइक आपने बकेट लेवल पे परमिशन दे दी कि बकेट ऑब्जेक्ट व्यूअर, तो बकेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे जो आपने IAM में परमिशन दी होगी किसी यूजर को, तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट देख पाएगा जितने भी आपने फाइल अपलोड कर रखी है। अगर आप फाइन ग्रेन चले जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपको स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्ट पर परमिशन दे सकते हैं। जैसे आपके आपने 100 फोटोज अपलोड करी है और आप चाहते हैं कि जो आपका यूजर है वो खाली एक स्पेसिफिक फोटो देख पाए, तो आप इस पर फाइन ग्रेन में जाएंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट लेवल में जाके आप परमिशन देंगे उस यूजर को कि वो खाली इस फोटो को देख पाए। तो आप पे है कि आप किस तरह से जाना चाहते हैं, ये आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बकेट पब्लिक ना बने, तो इससे क्या रहेगा, आपकी ये पब्लिक एक्सेस को प्रिवेंट कर देगा। आपकी बकेट मीन्स प्राइवेट रहेगी, कोई भी उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम पे प्रोटेक्शन मोड्स होते हैं, प्रोटेक्शन टूल्स होते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट वर्जनिंग इस तरह से रहता है, लाइक आपने कोई भी नया आप एक पहले ऑब्जेक्ट आपने अपलोड कर रखा है, आपने अगर उसका दूसरा वर्जन अपलोड करना है, तो आपका पहला वर्जन डिलीट नहीं होगा, वो उसका वो बैकएंड में चला जाएगा। आप देख सकते हैं उस वर्जन को। तो उसमें ऐसा होता है, अगर आपको वर्जन से बीच मूव करना है, तो आप उसको जो आपको पुराने वर्जन है उसको प्राइमरी बना के दोबारा से उसको आप एक प्राइमरी बना के उसको यूज कर सकते हैं। लाइक हमने कोई अपना अपना ऑब्जेक्ट गलती से डिलीट मार दिया, डिलीट नहीं होगा, उसका एक मार्कर बन जाएगा और वो बैकएंड में सेव रहेगा। अब जब जब भी चाहे उसको रिस्टोर कर सकते हैं,
पर आपको इसके लिए याद रखना होगा, ऑब्जेक्ट मर्जनिंग में क्या होता है, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे आपको उस सबके लिए पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक अपने फोटोज के मल्टीपल्स बार अपलोड किया तो 5 टाइम्स उसके 5 पार्ट्स बन गए मर्जनिंग के थ्रू, तो आपको हर पार्ट्स का पे करना होगा। उसके बाद होता है रिटेंशन पॉलिसी। रिटेंशन ऐसा रहता है जैसे आप चाहते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट ना हो, एक टाइम तक उसमें पड़ा आपके उसमें रहना चाहिए बकेट के अंदर। अगर आपका कोई ऑडिट डाटा है और आप चाहते हैं कि 1 साल तक ये डाटा इसके अंदर रहना चाहिए, कोई इसे डिलीट नहीं कर सके, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं लाइक 365। आप इसमें ईयर्स का भी ऑप्शन है तो आप सीधा 1 ईयर डाल दीजिए, तो वो डाटा 1 साल तक आप कोई भी डिलीट नहीं कर सकता। तो ये भी हम रहने देते हैं, ये इसके अलग बाद में दिखाएंगे। सर डाटा इंक्रिप्शन से हम पे या तो गूगल मैनेज या कस्टमर मैनेज इंक्रिप्शन किया, इसके लिए गूगल का KMS सर्विस है उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो अभी तक गूगल मैनेज के साथ ही जाते हैं, इसको क्रिएट करते हैं बकेट को, कंफर्म कर दीजिए। देखते हमारी बकेट क्रिएट हो चुकी है, ये हमारी बकेट कम सी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। देख सकते हैं आपने ये बकेट अभी क्रिएट करी है, ये मुंबई रीजन में अपने एप्लीकेशन में लगाया नहीं है। हमारी स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड है, रिक्वेस्टर पेज ये अभी ऑफ है। इसमें क्या होता है, जैसे आप चाहते हैं कि जो भी आपका डाटा एक्सेस करे कोई दूसरे प्रोजेक्ट से वो इसका पे करेगा, इसमें आप रिक्वेस्टर पे ऑन कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, लेबल्स लगा सकते हैं। ये URL है, इसके थ्रू आप क्लाउड कंसोल में इसको जाके ओपन कर सकते हैं। अगर आप इसको कॉपी करके यहाँ डालेंगे तो ये खुल जाएगा। ये GS यूटिल है, अगर आप कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस करना चाहें तो इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये एक्सेस कंट्रोल आप कैसा चाहते हैं कि आपका जो हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म या फाइन ग्रीन। अब हमारा ये बकेट पब्लिक नहीं है, वर्जनिंग ऑफ है, रिटेंशन पॉलिसी भी ऑफ है, लाइफ साइकिल रूल्स अभी सब हमने कुछ लगाए नहीं है। पब्लिक अभी हमारी बकेट पब्लिक नहीं है, तो इसको हम चाहें तो ऑन भी कर सकते हैं। प्रोटेक्शंस के लिए हमने वर्जनिंग ऑफ भी सब ऑफ कर रखा है। इसमें हम पे एक होल्ड ऑप्शन भी होता है, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें अच्छे समझाने के लिए। तो लाइफ साइकिल्स होता है, इसमें हम रूल्स ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आपने कोई डाटा अपने ऑडिट लॉग्स अपडेट अपलोड करें, आप चाहते हैं कि 1 साल बाद वो डिलीट हो जाए या दूसरी स्टोरेज क्लास में मूव हो जाए। लाइक आप चाहते हैं इसको अगर हम क्लिक करते हैं ऐड अ रूल में, तो आप इसमें ऑप्शन चूज कर सकते हैं लाइक सेट स्टोरेज क्लास टू नियर लाइन, क्या चाहते हैं आप। जैसे इसमें आपके हिसाब से जो जो भी आप चाहते हैं उस हिसाब से आप एक लाइफ साइकिल रूल ऐड करके वो जब वो आपका टाइम पूरा हो जाएगा, लाइक आपने आज अपलोड्स करे ऑडिट लॉग्स, 1 साल बाद अगर आपने लिखा कि मुझे 1 साल बाद चाहता हूँ कि वो जो हमारी स्टोरेज क्लास है वो कोल्ड लाइन में मूव हो जाए, तो आपके सारे के सारे जो भी लॉग्स आपका डाटा होगा वो कोल्ड लाइन में मूव हो जाएगा। उसके बाद एक और ऑप्शन ऐड कर सकते हैं कि उसके 2 साल बाद वो डिलीट हो जाए। ये टोटली आप पे डिपेंड है किस तरह से इसको करना चाहते हैं। अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, अपलोड फोल्डर कर सकते हैं, क्रिएट फोल्डर कर सकते हैं, इसके अंदर ही ट्रांसफर कर सकते हैं डाटा इन आउट।